खेल गांव में आयोजित मिट्टी की डॉक्टर सम्मान समारोह में देश भर से आई महिला किसानों ने शिरकत की। कार्यक्रम में रघुबर दास ने मिट्टी की डॉक्टर दीदियों को पहचान पत्र और जांच किट सौंपा। इस प्रक्रिया ने किसानों के खेतों में और फसलें लहलहा के आएंगे। खेत की मिट्टी को सेहतमंद बनाने में राज्य सरकार जुट गई है। यही वजह है कि मिट्टी की डॉक्टर दीदियों को पहचान पत्र व मिट्टी जांच हेतु मिनी लैब किट दिया जा रहा है, ताकि किसानों के खेतों में मिट्टी की जांच उनके ही पंचायत व गांव में हो सके। आज झारखंड एक नया इतिहास रचा। झारखंड की जो हमारी महिला शक्ति है, जो हमारी बहनें हैं, इन्होंने एक नया प्रयोग मिट्टी का डॉक्टर का आज शुभारंभ हो रहा है। अब झारखंड की हमारी जो महिला का डॉक्टर दीदी पूरे राज्य में ट्रेनिंग हो जाने के बाद पंचायत स्तर पर हर पंचायत में मिनी प्रयोगशाला खुलेगी। आज देखा आपने, किट भी दिया, तो हर पंचायत में एक एक मिट्टी प्रयोगशाला, जिसको हमारे मिट्टी के डॉक्टर दो महिलाएं चलाएगी और उस पंचायत के गांव के हर खेत का मिट्टी का जांच करेगी। जिस तरह मनुष्य बीमार पड़ने पर मनुष्य का टेस्ट होता है, उसी तरह हमारी धरती माँ भी बीमार होती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार 15 अगस्त से देश के लोगों को आह्वान किए कि हमें जो केमिकल खेती कर रहे हैं, जिससे हमारा ज़मीन जहर हो रहा है, उसको ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने ये मिट्टी के डॉक्टर की दीदी के माध्यम से राज्य में ऑर्गेनिक खेती हो, अत्याधुनिक उन्नत किसान हमारा बने और ज़मीन भी बीमार पड़ता है, तो ज़मीन की बीमारी को ठीक करने के लिए मिट्टी डॉक्टर हमारे किसान को, अगर हम स्वेल्थ हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, लेकिन अगर किसान को जानकारी ही नहीं रहेगा कि इस स्वेल हेल्थ कार्ड का हम किस प्रकार उपयोग करें। ये जो मिट्टी की डॉक्टर है, इससे किसानों को क्या लाभ होगा? किसानों को निम्न सुविधाएं घर पर ही उनके गांव में हो जाएगी। उनके खेत से मिट्टी का नमूना लेना, गाँव में ही लैब में उसकी जाँच हो जाना। अभी राज्य में 24 जगह ये जाँच होती थी, लेकिन अब जिले मुख्यालय की जगह प्रखंड मुख्यालय की जगह अपनी ही पंचायत में उनको इसकी सुविधा मिलेगी। सॉइल हेल्थ कार्ड हमारा जो है, जिसको बनने में जो हमारा थोड़ा नियम 1000 रुपया तक कमा सकेंगी, जिससे कि उनकी आय बढ़ाने में एक बड़ा योगदान रहेगा। में 19 लाख रुपए का भी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अपने उन लोगों के बीच में जिन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड का जांच का किया है। मुख्यमंत्री रघुबर दास की इस पहल से ग्रामीण महिलाओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। खास बात यह है कि महिलाएं मिट्टी के डॉक्टर कहलाने में अपने आप को फख्र महसूस कर रही हैं और रघुबर सरकार के काम की तारीफ करते नहीं थक रही। मिट्टी की जांच हम लोग किसान से लेते हैं, सैंपल खेत से निकालने के लिए बताते हैं, फिर लेते हैं सैंपल, उससे फिर मशीन के द्वारा जांच होती है, तो उसमें हल्का 12 पैरामीटर है, तो उसी से जांच होने के बाद उसका रिजल्ट निकलता है, तो उसमें हम लोग कार्ड बना देते हैं किसान सबका, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, तो उसी में हम लोग जो मिट्टी से जो निकलता है सबका रिजल्ट कि आपके मिट्टी में ये सब की कमी है, तो सब कार्ड में हम लोग लिख देते हैं और उसमें किसान सबको कार्ड देते हैं। उसके बाद उसमें बताते हैं कि इसमें आपको गोबर की खाद से इसे पूर्ति करना है, ऐसे करके बताते हैं। बहरहाल सरकार की इस सराहनीय पहल ने किसानों को आने वाले समय में काफ़ी फायदा होगा। मिट्टी की डॉक्टर मिट्टी की जांच कर किसानों को मिट्टी फायदेमंद है या नहीं इसकी जानकारी देंगी, जिससे किसानों के खेतों में फसलें लहलहा सके और उन्हें अधिक से अधिक मुनाफा हो सके। साथ ही डॉक्टर दीदियों के आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त होगा। इस कार्य से हर माह डॉक्टर दीदियां करीब 14,000 रुपये कमा सकेंगी। सनमार्ग लाइव के लिए सहयोगी दीपक के साथ चंदन वर्मा की रिपोर्ट।